एक्सरसाइज 12.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर ये छठा, तो इसका जो 500 क्वेश्चन है वो तो अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था उदाहरण, तो उस उदाहरण के अंदर जो रिजल्ट निकाला था सेम उसी तरह का वहीं तक क्वेश्चन करना है। और इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि तीन नंबर में दे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ था, तो सारे अगर चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसे बना लेंगे सारे के सारे। अब उसके बाद उसने कहा है कि AB और DC को आगे बढ़ाने पर, अगर इस कंडीशन में ऐसा डायग्राम बनाया है तो AB को और DC को आगे बढ़ाने पर वो कहीं पर भी A बिंदु पर नहीं मिलेंगे, तो अगर A बिंदु पर मिलाना है तो AB और DC भुजा ऐसे थोड़ा तिरछा लेंगे जिससे वो आगे बढ़ाने पर A बिंदु पर मिल जाए। तो इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है चक्रीय चतुर्भुज का। ये ABCD तो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हो तो आगे बढ़ाने पर ये A बिंदु पर नहीं मिलेगा, तो इस डायग्राम को आप ध्यान से बनाइएगा। इसके अंदर AB और जो DC भुजा को ई बिंदु तक आगे बढ़ाया गया है, उसके बाद ये ई बिंदु पर दोनों मिलते हैं, तो सिद्ध क्या करना है कि ये जो ABC और ED ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ABC और ED ये दोनों त्रिभुज है वो समरूप है, तो इनको समरूप करने के लिए अपने को कम से कम दो कोण बराबर करने होंगे। तो यहाँ पर अपने दो कोण कैसे बराबर करेंगे, देखिए उपपत्ति के अंदर जो त्रिभुज समरूप करने हैं वो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज EDA में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ABC का जो कोण नंबर एक मैंने यहाँ पे दिया है, एक नंबर कोण ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण है AB भुजा को आगे बढ़ाने पर, और इसका अंतराभिमुख कोण कौन सा है जिसके बराबर होगा 2 के, और ये दो नंबर कोण है वो त्रिभुज EDA का कोण है, तो दोनों त्रिभुजों के ये एक एक कोण यहाँ से बराबर हो रहे हैं, तो ABC का तो कौन सा कोण है, कोण नंबर एक इसके बराबर है, कोण नंबर 2 के, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट आपको सारे प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो याद रहना चाहिए, जिससे प्रमेय का अगर नंबर आपको याद नहीं हो तो वो स्टेटमेंट आप जरूर लिख सको, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं लिखोगे किस कारण से बराबर हुआ है तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेगी, ये समीकरण नंबर एक हो गई। ये एक नंबर नहीं दो तो अपन सीधा जो दो कोण से इसको समरूप कर देंगे। अब तीन नंबर कोण है वो तो ABC का कोण है, कोण नंबर 3 के बराबर है, कौन सा कोण है 3 के बराबर, कौन सा है 4, तो ये सेम का सेम रिजल्ट यहाँ पे लिख दोगे, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर है। आप चाहो तो तीसरा ई बिंदु वाला कोण लिख सकते हो, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये ई कोण है वो कॉमन आता है, उभयनिष्ठ आता है, तो कोण जो ई बिंदु वाले हैं वो भी लिख सकते हो आप, कोण ई के बराबर कोण ई क्या इसमें उभयनिष्ठ है, तो AAA से हो जाएगा, अदरवाइज आप ये दो लेते तो AA से भी हो जाता, क्योंकि त्रिभुज दो त्रिभुजों के अगर दो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, जैसे दो कोण 130 और 40 है तो 70 हो गया, तो तीसरा कोण 110 के होंगे दोनों त्रिभुजों के, वो अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया है त्रिभुज EDA के, कौन से रूल से हुआ है अपने यहाँ पे जो किया है वो AAA सिमिलरिटी रूल से हुआ है, तो आप AAA से भी कर सकते हो या सिर्फ दो कोण लोगे तो AA सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा, AA समरूपता नियम से हो जाएगा, ये दो त्रिभुज समरूप करने थे। तो ये तीन नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसके डायग्राम की वजह से पूछ सकता है, इसका डायग्राम मोस्टली बनाने में गलत कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से बनाइएगा डायग्राम को।